अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अफरोज़ रज़ा क़ादरी, मैं मरहूम मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस का छोटा भाई। 27 तारीख को उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं दुर्रे शेवार लेकर गया था, फिर वहाँ से गांधी हॉस्पिटल को तब्दील कर दिया गया। वो वजह ये थी कि वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया और हार्ट से उनका इंतकाल हो गया और लोग ने उसको कोरोना वायरस समझ के अफवाह उड़ा दी। फिर अकबरुद्दीन अवैसी साहब के क़यादत में हमने वहाँ पर जो कब्रिस्तान है शरीफ नगर में, वहाँ पर जो सो तदफीन किए, और हमारे समद बिन अब्दाल साहब और अली मिस्की साहब और मोहसिन भाई, मदर भाई, ये जितने भी थे अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के तमाम कोऑपरेटर हमारा बहुत कोऑपरेट करे अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जजाए खैर अता फरमाए। मगर मैं तमाम ही लोगों से, गुलशन इकबाल कॉलोनी के लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मोबाइल वाले खुद्दूस भाई है, उनका इंतकाल कोरोना की वजह से नहीं हुआ, हार्ट अटैक आने की वजह से, किडनी फेल होने की वजह से उनका इंतकाल हुआ है, बस यही हुआ। और रिपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर आए हैं, और मेरे को दो दिन से बिल्कुल कॉल्स आ रहे हैं कि खुद्दूस भाई का कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ, कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ। नहीं, कोरोना रिपोर्ट बिल्कुल निगेटिव आई और उनका इंतकाल कोरोना की वजह से नहीं हुआ, हार्ट फेल होने की वजह से हुआ और ये सो किडनी फेल होने की वजह से हुआ। और मैं अकबरुद्दीन साहब और जितने भी मंजिस के कारकुन हैं, समद बिन अब्दाल साहब और अली मिस्री साहब, मोहसिन भाई और जितने भी कोऑपरेटर हैं, मैं उनका शुक्र गुज़ार हूँ। अल्लाह ताला इनको जजाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। ईद के दूसरे दिन खुद्दूस नामी एक शख्स जो गुलशन इकबाल कॉलोनी के रहने वाले हैं, जो मोबाइल का इनका जो है कारोबार है, मोबाइल शॉप है गुलशन इकबाल कॉलोनी में ही, इनकी तबीयत अलील होने पर इनके अफराद ख़ानदान, इनके भाई, इनके वालिद सब मिलकर इनको दवाखाने दुर्रे शवार को शिफ्ट किए। दुर्रे शवार में बाद महीना डॉक्टरों ने कहा कि इनको फौरी तौर पर गांधी हॉस्पिटल को शिफ्ट करो। गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद दौरान इलाज खुद्दूस साहब मोबाइल वाले गुलशन इकबाल कॉलोनी के रहने वालों का इंतकाल हो गया। बाद इंतकाल हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब को किला में, और उनकी हिदायत पर मैं और मेरे हमरा मजलिस की तमाम टीम खुद्दूस साहब मरहूम के मकान पहुंची और इंतकाल की पूरी वजह उनके वालिद से दरियाफ्त की। उन्होंने बताया कि दुर्रे शवार हॉस्पिटल में ये कहा गया कि शुबा है कि इनको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के जो है के मुतासिर है, उस वजह से वो सिम्टम्स की वजह से इनको दवाखाने गांधी को शिफ्ट किए। तो हमने ये तमाम तफसीलात आपसे सुनने के बाद हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब को हमने बताया, और करीबी कब्रिस्तान में इनकी तस्वीर का इंतज़ाम करीबन हो चुका था मजीद हस्ता के कब्रिस्तान में। जैसा ही ये इतला मिली उनके वालिद बुजुर्गवार के ज़रिए कि दवाखाने दुर्रे शवार के डॉक्टरों ने शुबा जाहिर किया था कि कोरोना पॉजिटिव हो सकता है बोलकर, तो बाद में हबीब मिल्लत ने आप उनके वालिद ने जब ये बात बताई तो मुकामी लोगों के इतराज़ात का खदशा था, उनको देखते हुए शरीफ नगर में जो हबीब मिल्लत मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में 50 एकड़ का कब्रिस्तान के लिए जो ज़मीन अलॉट की गई थी, उसी कब्रिस्तान के अंदर आप लोगों के कहने पर, खुद्दूस साहब के वालिद और उनके दीगर अफराद ख़ानदान के कहने पर, उनकी तकवीन वहाँ पर अमल में आई। आज अल्हम्दुलिल्लाह गांधी हॉस्पिटल से फाइनल रिपोर्ट आई आपका तकवीन के बाद, और उस रिपोर्ट में वाज़ तौर पर आया है कि मरहूम का इंतकाल की वजह जो है वो स्ट्रोक की वजह, स्ट्रोक से आपका जो है इंतकाल हुआ था, और कोरोना आपका टेस्ट करवाए थे आपके जो है इंतकाल से पहले, उसकी रिपोर्ट में अब आई और वो क्लियर कट जो है रिपोर्ट में ये है
कि आप कोरोना के जो है मुतासर नहीं थे, कोरोना नेगेटिव आपका था, लिहाजा मैं उनके मिलने जुलने वाले मोहल्ले वाले अफराद ख़ानदान दोस्त अहबाब उनके कारोबारी तमाम लोगों से को ये इतला बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ देना चाहूँगा कि मरहूम खुद्दूस भाई मोबाइल वाले जो गुलशन इकबाल कॉलोनी के रहने वाले थे, आप कोविड पॉजिटिव यानि कोरोना पॉजिटिव आप नहीं थे, आपका इंतकाल स्ट्रोक की वजह से हुआ, आपकी रिपोर्ट इंतकाल के बाद आई है और वो रिपोर्ट में आपको कोरोना नेगेटिव।